या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। हर साल माह रमजान में इफ्तार पार्टी का आयोजन केएमसी के मुबीन सैयद इनकी ओर से किया जाता है। इसी तरह इस साल भी गुरुवार 28 मार्च 2024 को केएमसी गार्डन मुस्लिम पाचापेट सोशल हाई स्कूल के सामने इफ्तार पार्टी का बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया था। तो इस वक्त रोजेदारों के लिए खजूर, केले, अंगूर, हर तरह के फ्रूट, शरबत, ठंडे पानी की बोतलें आदि रखी गई थी। तो इफ्तार के बाद खाने के लिए हैदराबादी हलीम, भुनी हुई मछली, चिकन 65, अंगूर की रबड़ी आदि सभी चीजें रोजेदारों को रोजा छोड़ने के लिए रखी गई थी। इस दौरान माजी महापौर आरिफ शेख, डॉक्टर इलियास चांदा, डॉक्टर रफीक सैयद, उस्मान जमादार, तौफीक शेख, यूनुस डोनगांवकर, शकील मौलवी, अकलकोट के अशफाक बरोड़गी, अलीम अब्दुल अजीज कोटी, प्राचार्य इकबाल तांबोली, माजी नगर सेवक रियाज खैरदी, जावेद खरादी, अखलाक दीना, अफजल होटगी, रियाज सैयद, डॉक्टर फारूक मुल्ला, मनी महाराज, जाकिर नाइकवाड़ी, अब्दुल कुद्दूस, हबीब नदाफ, अब्दुल्ला उस्ताद आदि लोग रोजा इफ्तार पार्टी में मौजूद थे। तो इस प्रोग्राम के संयोजक केएमसी के संस्थापक अध्यक्ष मुबीन सैयद थे। इस दौरान आरिफ शेख, उस्मान, डॉक्टर रफीक सैयद, अशफाक बरूड़गी आदियों ने रोजा इफ्तार पार्टी के ताल्लुकात से लोक प्रधान न्यूज चैनल से क्या मालूमात दी, देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनके रिपोर्ट। साल की तरह इस साल भी केएमसी गार्डन के मुबीन सैयद इनके जानिब से केएमसी गार्डन के अंदर रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में सोलापुर शहर के नामवंत, जिसे हम कहेंगे क्रीम, लोग यहाँ उपस्थित थे और सभी रोजगार थे। और ख़ास तौर पर आज का जो टेम्परेचर है वो तो 41 डिग्री के ऊपर था। उसके साथ फिर हमारे के मुबीन सैयद ने क्या बोलते हैं उसको, ठंड पिए का जैसा जूस का इंतज़ाम किया था और कस्टर्ड का इंतज़ाम किया था और हर तरह के अलग अलग पकवान यहाँ उन्होंने रोजगारों की खिदमत में देकर लोगों की दुआ लिए। उन्होंने जो रोजगारों को उन्होंने जो अच्छा अच्छा पकवान खिलाया, दिल से दुआ दिया। और सभी की जानिब से फिर से एक बार मैं मुबीन सैयद को और उनकी पूरी टीम को दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी ऐसी खिदमत ले, क्योंकि केएमसी गार्डन ये तो मल्टीपर्पज हॉल है मगर इस हॉल के माध्यम से उन्होंने यहाँ कुरान शरीफ का जो सुबह का जो सेशन है वहाँ कुरान सीखने का या अलार्म पढ़ने का एक जरिया बनाया और मकतब है। और उसी के साथ ही साथ हमारे इस केएमसी गार्डन के अंदर तरावी की नमाज औरतों के लिए तरावी की नमाज है। और उसी के साथ साथ 2019 से जो कोविड का मामला था उस मामले को मद्देनज़र रखते हुए जो लोगों की अड़ी अड़चन थी खाने को या पानी के लिए लोग मोहताज थे, मगर एक दुनिया कमेटी की जानिब से 2019 से लेकर आज तक और अभी भी चालू है डेली 400-500 लोगों का रोजे की सहरी का और इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है। और आज के तारीख में आज 2024 के जो रमज़ान के महीने में यहाँ भी 220 लोगों का 160 लोग सहरी का इंतज़ाम है और 50-60 और इफ्तारी का है। तो जो शोलापुर शहर में बाहर से आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल के हो, इंजीनियर हो या कोई भी अपने घर छोड़कर यहाँ एजुकेशन के लिए आए हैं, उनके लिए सहरी का और इफ्तारी का इंतज़ाम किया है। एक बहुत ही अच्छा काम इस केएमसी गार्डन में होने जा रहा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐसे लोगों की खिदमत करे। और मैं यहाँ पर हमारे भाई मुबीन सैयद इनके जानिब से जो रोज़ा इफ्तारी का यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया, रोज़ा इफ्तारी भी होगी, नमाज का इंतज़ाम किया था, रोज़ा इफ्तारी के बाद रोजगारों के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया था। ये सामाजिक काम हमारे मुबीन भाई बहुत सालों से करते आ रहे हैं। जैसे कि अभी सर बताए कि जो अपने स्कूल कॉलेज में जो भी बच्चे बच्चियां हैं उनके सहर का और इफ्तार का दोनों का इंतज़ाम
यहाँ की कुछ शक्ति कमेटी की तरफ से यहाँ सोलापुर के किया जाता है। हमारे मुबीन भाई उसमें जो सोच हिस्सा लेते हैं। पिछले साल मुझे याद है कि हमारे आरिफ भाई, हमारे डॉक्टर साहब और मुबीन भाई ने मुझे फ़ोन करके बुलाया और वैराग में जो साई मेडिकल कॉलेज यानी जो BMS का कॉलेज है वहाँ के जो मुस्लिम बच्चियों को थोड़ा सा सहरे का प्रॉब्लम हो रहा है सब मेरे को बताया। दो मिनट में मैं ढेंगड़े पाटिल साहब को फ़ोन करके उनके लिए खास वहाँ पे जो खाना बनाने वाले को सहरी बनाने वाले का इंतज़ाम करके वहाँ पे सब सहरी चालू हुई। इंशाल्लाह ये साल तो हो रहा है, पिछले साल के साल बराबर हो रहा है, तो ऐसे ही काम करने की अल्लाह उनको ताकत कुव्वत दे, सेहत दे, इतनी दुआ करते हैं। मैं उनको खुशामदीद देता हूँ और ऐसे ही हर सामाजिक काम में भाग ले। एक ही नहीं, बहुत सारे सामाजिक काम मसले हमारे सामने पड़े हैं, सब में भाग लेके कौम की खिदमत करने के अल्लाह उनको तौफीक दे। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारे KMCA में रोजा इफ्तारी पार्टी हमारे मुबीन भाई सैयद जो डॉक्टर बशीर सैयद साहब के हस्बैंड हैं, हर साल के मुताबिक इस साल भी सभी लोगों को उन्होंने जो इफ्तारी की दावत दी कि इफ्तारी की दावत का फलसफा इसके मानी ये है कि एक रोज़ा अगर 14-18 घंटे अपने तमाम ख्वाहिशात को बंद करके रोज़े की धुन में रहता है और उसकी धुन को पहचान कर इन नौजवानों ने इफ्तारी का सवाब जानकर उमाय दिन से हर साल के मुताबिक उन्होंने ये इफ्तारी रखी है। और इफ्तारी नहीं बल्कि इसके साथ सारे एक्टिविटी उनकी पूरे ग्रुप उनकी पूरा टीम करती आ रही है, तो मैं उनको दुआ देता हूँ कि ऐसे ही इफ्तारी जैसे हमारे उस्मान सर ने कहा मजहबी हिसाब से कि हदीस में जो इफ्तारी का जो एक निवाला एक खजूर भी उनके लिए बायस है जन्नत के दरवाज़ों में जो यानी जन्नत मिलेगी जहन्नम से बनाम हो जाएंगे। इस तरह से KMCA ग्रुप और PM मोबिन की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मकबूल एम चाहिए वाला ट्रस्ट की ओर से उनका मैं बहुत बहुत खुश। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान हुसैन सर जमादार, मैं सोशल स्कूल में साइंस में पढ़ाता था, रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड के बाद में आदमी क्या करे ये मसला रहता है, लेकिन अपने शहर में काम करने के बहुत से सहूलतें हैं, उसमें से हमारे मुबीन सैयद एक KMCA का जिनका है, इनके बहुत से एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी ये है कि आज ये जितने भी जमातें हैं हमारे शहर के अंदर सबको रोज़ेदार के खाने की दावत थी, इफ्तार हुआ, खाने की दावत थी और नमाज भी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ एक बहुत बड़ा काम है, तकरीबन लोगों को मालूम है ही नहीं, ये जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें BHMS है, BMS है, MBBS है, तो ये बच्चे जो है हॉस्टल में रहते हैं, लड़कियाँ खसूसा इनको सहरी का बड़ा मसला रहता है, तो ये पिछले साल से ये काम भी ये शुरू करे, जितने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं लड़के लड़कियाँ इनको वहाँ तक सहरी भी पहुँचाई जाती है, रात को 11 बजे से पहले उनके सहरी का इंतज़ाम भेज देते हैं और असर की नमाज के बाद से लेकर शुरू है तो मगरिब से पहले उनके टिफ़िन उनके इसमें पहुँचे। कोई डॉक्टर्स हैं लेडीज़ डॉक्टर जो मार्केटे में हैं, सिविल हॉस्पिटल में हैं, ये हॉस्टल में रहते तो इनका भी खाने का इंतज़ाम यहाँ से जाता है। और ये बिल्ला हमारे शहर के ऐसे कई लोग हैं बेचारे खसूसी अच्छे बगैर नाम किए कि ये सारे लोगों को पहुँचाते, इसका सवाब भी ज़्यादा है। हदीस में भी है जिसने रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कराया, इफ्तार करने वाले को तीन चीज़ें मिलती हैं, नंबर एक सबसे पहले उसके गुनाह माफ़ होते हैं और दूसरा ये रोज़ादार को जितना सवाब मिलता है इफ्तार कराने को उतना सवाब मिलता है और तीसरी चीज़ जहन्नम की आग से आज़ादी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में बहुत से ऐसे चलते हैं, अल्लाह ताला इनको और कुव्वत दे, ताकत दे, जान माल में बरकत अता फरमाए। इसके लिए आज ये हुआ था, हमारे सारे लोग जमा हुए थे, आज ये प्रोग्राम हो गया, अल्लाह इनके जान माल में बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सोलापुरात वेज नॉन वेज जेवण मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित। चवीला टेस्ट हॉटेल रोहित चे जेवण बेस्ट। बर्थडे पार्टी कार्यक्रम विविध पार्टी से ऑर्डर ही स्वीकारले जाती। ग्राहकांसाठी खास पार्सल ची सोय। आमचा पता हॉटेल रोहित, दादर रस्ता अपोजिट कारीगर पेट्रोल पंप सोलापुर।